लड़की अगर मैच्योर हो तो उसे पटाना मुश्किल नहीं होता जितना कि ऐसी लड़की को पटाना जो अभी इमेच्योर हो, जो अभी अभी बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है या जिसने प्यार के बाजार में पहला कदम रखा है। लड़की मैच्योर हो तो वो पहले से ही बहुत सारे लड़कों को हाँ कर चुकी होती है, बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी होती है। वो जानती है कि कौन सा लड़का कैसा होता है। सो अगर उसे तुम्हारा प्रपोजल अच्छा लगता है तो वो हाँ में जवाब देती है या ना कर देती है। पर कम उम्र की इमैच्योर लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। वो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ सपने सजाए बैठी होती है और चाहती है किसी एक लड़के में ही सब कुछ मिल जाए। जैसे लड़कियाँ शॉपिंग करते वक्त बहुत सारी चीज़ों को पहले रिजेक्ट करती है, ठीक वैसे ही बॉयफ्रेंड के मामले में भी करती है। पहले वो बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट करती चली जाती है। सो कम उम्र की लड़कियों को पटाना मुश्किल तो होता है पर मज़ा बहुत आता है। सो कम उम्र की लड़कियों को पटाते वक्त कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखना। साइकोलॉजिकली कम उम्र की लड़कियाँ दो टाइप की होती हैं। पहला वो लड़की जो अपने लाइफ को फुल इंजॉय करती है, फ्री माइंडली सबसे बात करती है, दिमाग से पैदल किसी के बात पर चौंक जाती है और हर लड़के की तरफ लपक जाती है, सारे लड़कों को इशारा करती है, चंचल अपने लाइफ को दिल से जीने वाली, ना पास्ट की चिंता ना फ्यूचर की फिक्र, दिल खोलकर इंजॉय करने वाली लड़की। दूसरे टाइप की लड़कियां वो होती है जो साइलेंट होती है, अंदर से शरारत, ये लाइफ में इंजॉय तो करती है लेकिन कभी सामने नहीं आती। ये लड़कियां समझ जाती है कि समाज में कैसे रहना है। ये दिखने में जितने ही शांत नजर आते हैं अंदर से उतना ही मस्तीखोर होती है। ये लड़कियां हर नए लड़के की तरफ नहीं लपकती, ये इंतजार करती है। ये अपनी अदाओं से लड़के को दीवाना तो बना लेती है लेकिन उन्हें कभी हाँ नहीं करती। इनके पास लड़के घूमते रहते हैं कि इनसे बात कर सकें, पर ये जानबूझकर कभी फ्री ही नहीं होती। ये इसी बात का मजा लिए जा रही होती है कि कोई इनके पीछे पड़ा हुआ है। सो तुम्हें ऐसा लड़का बनना होगा जो लाइफ को एंजॉय करता है और शरारतें करता है। फनी एक्टिविटीज करो, जरूरत पड़े तो खुद का मजाक उड़ाओ। ये लड़कियां जहां हंसी मजाक होती है वहां खींची चली आती है। तुम अगर इंजॉयफुल माहौल बना सकते हो तो ये लड़कियां तुम्हारे पास आएगी और अपनी बातें भी शेयर करेगी। ये लड़कियां ज्यादा सोच समझ नहीं पाती, तुम्हें इनके सामने झूठ भी बोलोगे तो ये सच मान लेगी। चाहे तुम इनकी झूठी तारीफ ही क्यों ना कर दो, वो सच मानेगी। एक बात गौर करना, अगर तुम स्टूडेंट हो और तुम जिस क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारे क्लास की कोई भी लड़की तुम्हें प्यार नहीं करेगी, वो तुमसे सीनियर लड़कों से प्यार करती है। तो तुम भी जिस भी उम्र में हो, अपने से कम उम्र की लड़की को पटाने की कोशिश करना। और इसमें एक बात ख्याल रखना, खुद को थोड़ा डिसेंट बनाओ और जितनी जल्दी हो सके लड़कियों से बात करना शुरू करो। जब तुम दोनों में थोड़ी बहुत बात शुरू हो जाए तो उसे गिफ्ट दो। ये लड़कियां गिफ्ट या फ्री में मिलने वाली चीज़ों की दीवानी होती है। तुम इन्हें छोटे मोटे गिफ्ट दे सकते हो, जैसे चॉकलेट, कीचेन, रिंग्स या चेन, ऐसी चीज़ें दो जिसे वो छुपा सकें। बहुत ज़्यादा महंगे गिफ्ट मत दे देना, वो डर जाएगी और तुमसे दूर हो जाएगी। ये लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और इनको बहुत ज़्यादा इमोशन की ज़रूरत भी होती है। अगर तुम इनकी इमोशन को संभाल सकते हो तो ही इन लड़कियों के पीछे पड़ना। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।